प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तैयारी के साथ जब सीधा लेह पहुंचे तो चीन में टेंशनें शुरू हो गई। प्रधानमंत्री के वहां जाते ही सेना का जोश आप देखिए। सबसे पहले तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाकई ये बताने के लिए काफी है कि मोदी ने वहां पहुंचकर सेना में जोश भर दिया है और ये जोश, ये उमंग देखकर पड़ोस में रहने वाला चीन बड़ी टेंशन में, घबराहट उसके अंदर आनी शुरू हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से कुछ ही घंटों पहले जब प्रधानमंत्री ने चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की, 59 ऐप पर ताला लगा दिया, उसके बाद किसी ने सोचा नहीं था कि आखिरकार ऐसा होगा। और अब प्रधानमंत्री जब इस सुबह तुरंत वहां पहुंचे तो चीनियों में हड़कंप है। आखिरकार प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर कैसे सैनिकों से मिले, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और अब चीनी क्या बोल रहे हैं, वो इस पर क्या प्रतिक्रिया रख रहे हैं, किस तरह से उनका दिल अब धक धक करने लगा है, आइए दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह अचानक लद्दाख दौरे पर पहुंचे तो सेना के जवानों में जोश भर गया। पीएम मोदी के इस दौरे की तस्वीरें अब सामने आई हैं। मोदी का यह दौरा चीन को संदेश है कि देश फौज के साथ खड़ा है। लेकिन इस दौरे के दौरान सेना के जवानों की तस्वीरें आप में भी जोश भर देंगी। जब पीएम मोदी नीमू पोस्ट पर पहुंचे थे, सेना के जवानों ने उनका किस तरह से स्वागत किया ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। किस तरह से भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पहुँचते ही भारत और चीन सीमा की जमीनी हकीकत को समझा। चीन भारत के किन हिस्सों पर कब्जा जमाए हुए है, वो भारत के किन हिस्सों पर अपनी दावेदारी बताता है, इन सारी बातों को पीएम मोदी ने लद्दाख पहुंचकर समझने की कोशिश की। सीडीएस विपिन रावत ने पीएम मोदी को विस्तार से बताया कि चीन कहां कहां बदमाशी कर रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी भारत चीन बॉर्डर की हकीकत समझने के बाद और भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही बोल दिया था कि गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और पीएम मोदी के इस दौरे से देश और दुनिया को बड़ा संदेश गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को हल्के में मत लेना, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यानी कि अब चीन की खैर नहीं, अब आपको देखना चाहिए कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद चीनी जनता क्या बोल रही है। सिनहुआ डी कहते हैं, भारत के पीएम ने तैयारी कर ली है, वो चीन लद्दाख बॉर्डर का दौरा करने गए हैं। हमने आज तक अपने शी जिनपिंग को ऐसा करते हुए नहीं देखा। द लेंगला कहते हैं, अपनी सेना का सम्मान करना हमारी सरकार को नहीं आता, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। देबी वांग लिखते हैं, चीन ने भारत के साथ झड़प करके मुसीबत मोल ले ली, उसने हमारे सामानों का बहिष्कार कर दिया, वहाँ की सरकार अपनी सेना के साथ खड़ी है और हमें ये भी नहीं पता कि कितने जवान शहीद हुए। शाओजी ढंग लिखते हैं, भारत के हौसले बुलंद हैं, उसका साथ देने के लिए कई बड़े देश हैं, चीन की सरकार ने जो किया भुगतना होगा। तो देखा आपने, चीन की जनता ही अपनी सरकार को किस तरह खरी खरी सुना रही है। तो आपने देखा, यही आलम है भारत का जो डरता नहीं। कल योगी ने कहा था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो पाकिस्तान को कहा था। चीन को भी समझ आ चुका होगा कि भारत की तैयारी जबरदस्त है। आज राजनाथ सिंह को वहां पहुंचना था, किसी को पता नहीं था कि उनका दौरा कैंसिल कर सीधा पीएम वहां पहुंच जाएंगे। और इसे ही कहते हैं हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर जो बॉर्डर पर पहुंचकर, सेना के बीच पहुंचकर ये बताने की तैयारी में है कि अब जवाब जबरदस्त होगा। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और पल पल की अपडेट के लिए हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बेबाक बातचीत करते रहेंगे।